उसकी तो सांसें चल रही है, ये तो जिंदा है। लड़की को हॉस्पिटल ले पहुंचाओ क्विक। लड़की की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही हैवानियत के साथ उसका रेप हुआ है। लड़की का होश में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हमें बता सकती है कि उसके साथ ये दरिंदगी किसने की। ये मिरेकल ही है कि वो इस कंडीशन में भी जिंदा है, उसकी गर्दन और शोल्डर पे फ्रैक्चर भी हैं। इस एरिया के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री चिटर हैं सबको उठाओ, कुटो। अगले 24 घंटे के अंदर हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है। सर ये मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। रुक सर। हाँ सर, इसके सोशल मीडिया पेज में ऐसे कई फोटोज हैं जिनमें ये दिल्ली के ब्लैक थंडर पब में नजर आ रही है। सर ये कल्पा है, हमारे इसी पब में काम करती है, वो पोमिला आंटी के साथ पीजी रहती है। सर वो तो अपने परिवार वालों से मिलने गई थी, वो 5 तारीख को बस से हिसार के लिए निकल गई। पोमिला ने हमें बताया कि कल्पा दिल्ली से हिसार जाने वाली थी, लेकिन कल्पा ने दिल्ली से जयपुर की बस मिली। तो क्या कल्पा ने पोमिला से झूठ बोला या फिर पोमिला हमसे कुछ छुपा रही थी?